अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। ख्वाजा अगली नमाज़ के बारगाह में ये जुम्मा के दिन ज़ियारत करने के लिए गए हुए हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी गुम्मत लग रही है। यहाँ पे भी सब मन्नत के धागे बनते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत गुम्मत लग रही है ख्वाजा अगली नमाज़ बाबा की। देखिए यहाँ पर इतना सुकून लगता है, इतना अच्छा लगता है। बस दिल से दुआ करते जाओ, इबादत करते जाओ, कहीं मत जाओ, बस मज़ार को देखते जाओ। इतनी सुकून लगता है यहाँ पर ख्वाजा अगली नमाज़ के बाबा के बारगाह में। देखिए यहाँ पे सब धागा बांध रहे, मन्नत के दुआ कर रहे, इबादत कर रहे। जितने भी मन्नत मुराद हो ख्वाजा अगली नमाज़ के बाबा के करहमो करम से पूरी हो जाए हम सबों की। देखिए ये आगे का दरवाज़ा है, यहाँ से भागे हम भी इबादत करके ज़ियारत करके इस तरफ से निकलते हैं सब। ये यहाँ यहीं से यहीं मज़ार के पास में ही बनी हुई है ख्वाजा अगली नमाज़ बाबा की बीबियों की दरगाह। देखिए ये दो चिमनी जैसे बनी हुई है ना, यहाँ पे सब औरतें बैठती हैं। ये मज़ार अभी उरूस का समय है ना, इसलिए इतने आपको भीड़ लग रही है। देखिए ये सब आशिक है, ये सब मस्ताने हैं ख्वाजा अगली नमाज़ के बाबा के बारगाह में पेश होने के लिए आए सुबह के वक्त में। देखिए देखिए चाचा कितने मस्त होके ख्वाजा अगली नमाज़ के बारगाह में झूम रहे हैं बाबा के। क्या इनको खुशी इतनी है, खुशी का ठिकाना नहीं है। देखिए उनकी खुशी का, इतने उम्र होने के बाद इतने खुशी में झूम रहे हैं, इनकी खुशी का कोई अंदाज़ा कोई लगा नहीं सकता। वो जानते हो ख्वाजा अगली नमाज़ बाबा जानते हैं उनके अंदर कितनी खुशी है। ऐसी खुशी हम सबके मन में है, उनकी ज़ियारत करना, उनके दर पे जाना, इसी चीज़ की सभी को खुशी होती है। यहाँ पे कव्वाली भी चल रही है। देखिए यहाँ पे सुबह का वक्त है, तकरीबन 10-11 बज रहे होंगे, उस समय की कव्वाली चल रही है यहाँ पे सुबह के वक्त। यहाँ पे ऐसे सब बैठ के कव्वाली सुन रहे हो। सामने मज़ार है, मज़ार के सामने ही कव्वाली चलती है। देखिए ये मज़ार है, इसके सामने ही कव्वाली चलती है। और यहाँ पे भी आगे अब चलिए वीडियो में बताती हूँ मैं आपको ख्वाजा अगली नमाज़ के बीबियों के मज़ार, यहाँ पे आपको आगे दिख जाएगी वीडियो में। देखिए ये जो है ना, यहाँ पे दो चिमनी ऐसी बनी हुई है ना छोटी सी, यहाँ पे ये मज़ार। यहाँ पे सब दुकानें भी लगी हुई है, शॉप है सब, आप चाहो तो यहाँ से सिन्नी ले सकते हैं। देखिए हुजूर गरीब नमाज बीबी की दरगाह है, दो बीबियाँ थी इनकी, दोनों बीबियों के मज़ार यहीं पे पास में आमने सामने पास पास में बनी हुई। देखिए चिमनी से देख सकते हैं आप कि दो चिमनी बनी है ना, यही मज़ार है। यहाँ पे भी आप सलाम पेश करिए, अस्सलाम वालेकुम, यहाँ पे भी आप सब सलाम पेश किए, दरुद शरीफ पढ़िए, सब मज़ार के पास में ही बनी हुई है। यहाँ पे आपके भाई जान ने सजदा के सलाम किए। देखिए कितनी सुकून लगता है। देखिए दो चिमनी बनी है ना, इसमें से आप मज़ार देख सकते हैं। देखिए खूबसूरत मज़ार बनी हुई पास में ही है, मज़ार के दूर नहीं है, पास में ही बनी हुई है। आप सब भी सलाम पेश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिर यहाँ से ये सब जा रहे हैं अभी नमाज़ के लिए, नमाज़ का वक्त होने आ रहा है, तकरीबन 12 बज रहे हैं। देखिए सब नमाज़ के लिए आए हुए हैं, फिर अभी सलाम ज़ियारत करके आए ख्वाजा अगली नमाज़ बाबा की। यहाँ पे मस्जिद भी सामने ही बनी हुई है, मज़ार के सामने ही मस्जिद है। आप सब नमाज़ के भी अजान होगी जुम्मा की नमाज़ की, तो सब नमाज़ के लिए जाएंगे। अभी नाजान हुई नहीं है, अभी अजान होगी, वक्त ऑलमोस्ट होने ही आ रहा है अभी नमाज़ का। तो अभी सब यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए यहाँ दरगाह के बाहर भी बनी हुई है, यहाँ पे सब शॉप है, सब मस्ताने घूम रहे हैं, देख रहे हैं। देखिए यहाँ अजान हो रही है, यहाँ पे सबकी नमाज़ पढ़ के हो चुका है। अब आपके भाईजान भी अब यहाँ से सलाम पेश करने जाएंगे ख्वाजा अगली नमाज़ के बाबा के बारगाह में। देखिए यहाँ से मज़ार की ज़ियारत हो चुकी है, यहाँ सब सलाम पेश कर रहे हैं, सब सभी लोग नमाज़ के बाद सब सलाम पेश कर रहे हैं ख्वाजा अगली नमाज़ के बाबा के बारगाह में, जो जोहर की नमाज़ के बाद। आप सब भी सलाम पेश करिएगा, लाखों करोड़ों दुरूद शरीफ पढ़िएगा, दुआ कीजिएगा, मन्नत कीजिएगा, सलाम पेश कीजिएगा। इंशाअल्लाह आप सब की दुआ ज़रूर कबूल होगी ख्वाजा अगली नमाज़ बाबा के बारगाह में। देखिए सब दुआ कर रहे हैं, यहाँ ज़ियारत भी वापस आपके भाई जान ज़ियारत करने गए थे, फिर उसके बाद वो शॉप पर चले गए थे। देखिए यहाँ पर सब ज़ियारत कर रहे हैं, बोले एक बार ज़ियारत कर ले। जुम्मा के समय भी काफ़ी यहाँ पर भीड़ थी, एक बार जोहर की नमाज़ के बाद ज़ियारत हो जाए बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद फ़ौरन
ज़ियारत के लिए चले गए थे सलाम पढ़ने के बाद, इसी दौरान देखे कितने सारे भीड़ हो चुकी है यहाँ पे, अभी भी कव्वाली चल रही थी। हम गरीबों के मौला है मोइनुद्दीन चिश्ती, वो अली के प्यारे गए पंचतन हमारे है। ये देखिए मन्नत की डेग भी कहते हैं, कहते हैं कि बादशाह अकबर ने ये डेग लगवाई थी जब उन्होंने मन्नत किए थे खरीफ नमाज बाबा के बारगाह में कि उन्हें बेटे से नवाज दिया जाएगा, तो वो एक डेग लगाए गए यहाँ पे अजमेर में, तो यहाँ पे डेग बनाए थे उन्होंने, इसे मन्नत की डेग भी कहते हैं, जिसकी जैसे मन्नत पूरी होती है अनाज पैसे ये डेग में डाल देते हैं। देखिए आपके भाईजान भी रो रहे हैं, आँख में आंसू आ रहे हैं। समय ही ये ऐसा है कि नहीं चाहते हुए भी इंसान का दिल पसीज जाता है, खुशी के आंसू रहते हैं ख्वाजा गरीब नमाज के बाबा के बारगाह। वो तो ख्वाजा गरीब नमाज के बारगाह में जो भी आता है किसी की झोली खाली नहीं आती, सभी की झोली भर के जाती है। गरीब नमाज है बाबा देने वाले, हर एक की झोली भरी हुई है, मन्नत पूरी हो जाती है यहाँ पे, कोई खाली हाथ वापस उनके दर से कोई भी नहीं जाता है। गरीब नवाज है, देर से सही, देर से किसी को जल्दी, देर सवेर से देते पर देते ज़रूर है ख्वाजा गरीब नवाज बाबा की, यही करम है रहमो करम सब सभी पे बना रहे। ये देखिए यहाँ पे डेग खाली कर रहा है, अनाज निकाल लिया, पैसे निकाल रहे हैं, चावल निकालेंगे फिर इसमें मीठे चावल बनेंगे, यही सिन्नी के रूप में हम सभी को बांटा जाता है अजमेर शरीफ में। यहाँ पे चादर ले जा रहे हैं रात के समय मगरिब की नमाज़ के बाद यहाँ पे चादर लेके जा रहे हैं। देखें यहाँ से बाज़ार में से संदल जैसा निकल रहा है ये। यहाँ पे रात का समय हो चुका है, रात के बज रहे हैं तकरीबन 2-3 बज रहे हैं। यहाँ पे सब खड़े हुए मस्ताने, मज़ार बंद हो जाती है रात में ईशा की नमाज के बाद, मज़ार बंद कर दिया जाता है, तो समय ख़त्म हो जाता है ईशा की नमाज का ना, उसके बाद मज़ार बंद कर देते हैं, फिर सुबह फजर के वक्त ये मज़ार खुलती हैं। यहाँ पे रात भर कव्वाली भी चलती है, दुआ दरूद शरीफ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, मज़ार के बाहर ही बैठे रहते हैं, और यहाँ पे कव्वाली भी चलती है रात भर। देखिए आप सब, यहाँ पे रात भर कव्वाली चल रही है, सब कव्वाली भी सुन रहे हैं, यहाँ पे चिराग भी जल रहे हैं, जिसकी जैसी मन्नत होती है अपनी मन्नत से पूरी करते हैं, कोई कुरान शरीफ की तिलावत कर रहे हैं, कोई कव्वाली सुन रहे हैं, कोई इबादत कर रहे हैं, सबके अलग है। यहाँ पे देखिए कितनी, यहाँ पे भी अच्छी खासी भीड़ है रात में, जुम्मा की रात का ये वीडियो है, छट्टी के रजब की 7 तारीख की। यहाँ पे मॉल, यहाँ पे भी नाम लिखे हुए उलमा इकराम का, देखिए आप पढ़ सकते हैं, रीड कर लीजिए। यहाँ पे ईडीए स्टॉप करके काफ़ी आप सब भी सलाम पेश कीजिएगा, लाखों करोड़ों दुरूद सलाम पढ़िएगा ख्वाजा गरीब नमाज के बारगाह में। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।